Applause for the cyclists of Kathua. Around 70 of them participated with the runners. They were here before them. They were here, they were flagged off on time. और इन्होंने सारा मैराथन एकदम सक्सेसफुल तरीके से एक पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए इन्होंने कंप्लीट किया. सर, द एंटायर स्टेज वाज अ कल्चरल सागा. यहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडियंस, एक्सटेम्पोर आर्टिस्ट ऑफ कठुआ, एवरी बड़ी बैकग्राउंड ऑफ अप्लॉज. All these 511 people who completed successfully, they were awarded with a medal of a 3.5 inches dia. It's a brass medal, properly printed. और सर हमने इस पूरे में रखा है वो अटल सेतु ब्रिज रखा है. सर ये वो सी लिंक है. तो मैं उनको बताता हूँ ये मुंबई का सी लिंक नहीं है, ये कठुआ का अटल सेतु है. और सर ये पहला एडिशन था इस कठुआ के अटल सेतु को. हम पूरे जेएनके में, जेके न्यूज, इन्होंने इसको लाइव दिखाया है. इसकी रीच बहुत ज्यादा बड़ी है. सुबह से हम फेसबुक पे हिट्स देख रहे हैं, सुबह से हम कमेंट्स देख रहे हैं. मुझे लग रहा है कि कम से कम नॉर्थ जोन में अब अटल सेतु की चर्चा, कठुआ के यूथ की चर्चा, यहाँ के डिसिप्लिन की चर्चा और खुसूसन जम्मू एंड कश्मीर का हर अफसर का, हमारे साथी जो आईआर बटालियन के कमांडेंट साहब हैं, हमारे पीटीएस के प्रिंसिपल साहब हैं, इनके अथक प्रयासों से, इनके हमेशा सहकार्य से हम हर एक चीज को बखूबी अंजाम दे पाए. और सर हम उम्मीद करते हैं कि ये कठुआ हाफ मैराथन का पहला एडिशन एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले कई एडिशंस के लिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद. 10 किलोमीटर फीमेल्स को तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चियां हैं जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगी. बिब नंबर 1145 कंचन देवी. अब मैं बुलाना चाहूंगा राधेश सिंह ठाकुर. वर्ल्ड पुलिस मीट में तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की. तीसरे नंबर पर ये रही. 21 किलोमीटर की रेस में देखिए आने वाला समय इन बच्चों का है, इसलिए इनका हौसला जरूर बढ़ाइएगा. कामयाब करने के लिए जिन लोगों का योगदान रहता है वो ये लोग हैं. प्लीज दोनों के लिए 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई है या बनाने के लिए. वो जो सुबह सुबह आपको जुम्बा डांस करवाया गया, एक्सरसाइज करवाई गई, प्राइजेस दिए, चाहे वो सिंगिंग था, डांसिंग था.
पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें अलग अलग डिस्टेंस की दौड़ इंक्लूडिंग हाफ मैराथन दौड़ी गई। यहाँ 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेने के लिए लगभग 2000 बच्चों ने, बच्चियों ने, सीनियर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया और हिस्सा लिया। अभी जो इवेंट मुकम्मल हुई है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि नौजवान बच्चों के अंदर, कठुआ के लोगों के अंदर और जो बाहर से लोग आए हैं, ऐसी इवेंट्स को लेकर के कितना जोश है। ऐसी इवेंट्स हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर जब वो लोग दौड़ लगा के इनाम हासिल करते हैं, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और आने वाले वक़्त में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि कठुआ पुलिस की तरफ से जो इवेंट करी गई है, ये लगभग इस तरह की दर्जनों इवेंट्स इस महीने के अंदर, ख़ासतौर पर पिछले 11-12 दिन के अंदर हुई हैं, उसी कड़ी में ये इवेंट भी बहुत एक कामयाब इवेंट जहां पर आज देखने को मिली है। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चाहते हैं कि हम नौजवान दोस्तों से, बच्चे और बच्चियों के साथ और आवाम के साथ अपने आप को जोड़ें और एक पॉजिटिव दिशा में मिलकर के काम करें। हमारा जो एक साथ मिलके काम करने का नतीजा है कि जहां पर हालात पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं, अभी किसी भी तरह की कोई यहाँ इस एरिया के अंदर लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर पूरे के अंदर कोई भी लाइन ऑर्डर की इशू इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। ये लोगों का सहयोग इस हालात को अच्छा करने में हमारे काम आ रहा है। मैं यही चाहूँगा कि नौजवान बच्चे, बच्चियाँ और हमारा आवाम हमारे साथ मिल करके इसी तरीके से काम करें और खेल कूद और बाकी पॉजिटिव एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं।